गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर नमामि गंगे ने बड़ा गणेश मंदिर में सनातन धर्म के पंच देवताओं में प्रमुख और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजन अर्चन कर सभी के लिए कल्याण सुख समृद्धि की कामना की। गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के संयोजन में प्रकृति के संरक्षक व दिव्य ज्ञान के प्रतीक भगवान गणेश की पर्यावरण संरक्षण की कामना से आरती उतारी गई। लोक मंगल की कामना से गणेश जी को मोदक का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम एवं वक्रतुंडाय एक दंताय श्री गणेशाय धीमहि जैसे भजनों से सराबोर हो गया। इस दौरान पौराणिक मंदिरों में स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पुराणों में वर्णित भगवान श्री गणेश का स्वरूप एक ऐसा विराट रूपक है जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनाओं को जगाता है और उनके प्रति हमें अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराता है। पूजन अर्चन के दौरान पुनीत जायसवाल गणेश प्रसाद व सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। भगवान श्री गणेश जी ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। हमने आज इस पावन पर्व पर जब गणेश चतुर्थी का प्रारंभ हो रहा है बड़ा गणेश मंदिर में नमामि गंगे की ओर से माँ गंगा की आरती उतारी है, उनको मोदक का भोग लगाया है ताकि पूरे विश्व में शांति रहे, सुख समृद्धि आए, हमारा भारतवर्ष निरंतर तरक्की करता रहे। आज हमने मंदिर में साफ सफाई की है ताकि जो हमारे दिव्य सनातनी संस्कृति के परिचायक मंदिर हैं उनका उनकी साफ सफाई होती रहे। हम सब इसका भी ध्यान दें और माँ गंगा का किनारा, क्योंकि गंगे पुत्र हैं भगवान श्री गणेश, तो माँ गंगा का तट साफ सुथरा हो।